किसान भाइयों नमस्कार। भाइयों, अगर आप गेहूँ का बुया हुई है आपके पास में उसकी बढ़वा चाहते हो तो उसमें डोज लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पानी चाहिए। पानी रोज़ तीसरे दिन देते रहो, 10-12 पानी निकाल दो, इतने कटे गए देखना, एक एक फुट ना बढ़ गया तो मेरा नाम बदल देना। भाइयों, फागन का जो गन्ना बोना है उसे बोना शुरू कर दो। हम तो कल से शुरू कर रहे हैं, बीज लाएंगे 35। ये भाई हमारा 38 खड़ा है, ये इधर 35 खड़ा है, इसमें से बोऊंगे कुछ। ये तो वैसे हम गेहूं का बोऊंगे मेरे भाइयों। अब तो हमें फागन का बोना है, फागन के लिए बीज मोल लेना है 35, जो भाव भी मिलेगा लाना पड़ेगा। जब सभी बदले हम भी बदल देंगे इस बीज को। भाइयों, ये 48 इंच पे था, देखिए खूर गिंदे चौड़े हैं, तगड़ा खड़ा है। ये 90-95 का ना निकला था, कोई बात नहीं। भाई देखिए, पानी से लपाला भर रहा है खेत, ये कल भी भर रखा था, आज ही भर रहा। अब 3-4 दिन रोज पानी चलेगा, एकदम इसका पड़ा कास्ता ख़त्म हो गया, एकदम बढ़वार चलेगी, पग फूटने लगे बहुत बेसोत। भाइयों, पानी आने से ये पग भी चमक गए, देखिए खूट चमक गए इसमें। इसमें पहले ही बोऊंगे, उसके बाद में इसमें स्प्रे करेंगे घास फूकने की, फिर इसमें डोज लगाएंगे, देखना कितनी जल्दी होगा ये गन्ना हमारा। ये किनारे पे हमने बाजरा बो दिया था फूटने वाला। भाइयों, अब काम करने का स्टाइल बदल रहे हैं, क्योंकि छोटे ट्रैक्टर की जो आवश्यकता नहीं है, 6-7 लाख रुपए कौन लगा हुआ है। 2 खुड बोंगे, 1 छोड़ देंगे, जो हम जो आप भाई जो शादी विधि बोते हो 24 इंच पे 26 पे 28 पे 30 पे जो भी आपका ले जा रहा है उसका बीच का 1 खुरपा खोल दीजिए आप, या 3 लगे रहने दीजिए, उसमें बुआई में 2 खुड बोइए, 1 छोड़ दिए खाली, 2 बोइए 1 छोड़ दीझिए। अंशी का पेड़ पे झूल रही है, मेरे साथ आइए, देखो वही उरक मुकरी फोटो ले लिया एक तरह। ये क्या हो रहा? ये कुत्ते के चिपटेंगे वे, कुत्ते आ रहे हो वो एक, हमारी रक्षा कर रहे, एक पिल्ला मारा गया हमारा। अब देखो मैं भाई ये बांध तैयार है, इसमें एक बार टीलर और निकालना, टीलर मेरा क्योंकि मोथा जमने लगा, 2 बार भी निकाल सकते हैं। भाई जब हम खेत तैयार करते हैं तेल का हिसाब नहीं लगाया जाता, लगाना भी चाहिए किसान को, इतना बुरी कीमा होगा तो किसान को क्या बचेगा। ले भाई ये पिल्ले बड़े हो गए अब तो, एक तो यो है, एक उधर गया, दो एक इधर घूम रहे हैं कुत्ते कुत्ते कुत्ते, वो गया। किसान भाइयों, जब तक गन्ना जावे, ये जो गेहूँ का गन्ना है इसमें पानी चलाओ रेज का, ट्यूबवेल तक करीबन 90% किसानों के पास है। भाइयों, उनका ये लाभ है कि पानी से ही इसमें लगातार ना भरा रहे, सूख जाना चाहिए रात को पानी, ताकि थोड़ी भोग सा लग जाए खेत को। एक तो पोगे बहुत सोने फूटे हैं, दूसरा भाइयों गन्ना बढ़ेगा ऊपर को, ताल की बात है, ये 1 फुट से 1 हाथ भी बढ़ सकता है, अभी तो लास्ट में जाएगा। भाइयों देखिए, पोगे खड़े हैं हमारे सामने, गन्ना रह रहा अभी, मैं चक्रोड में खड़ा हूँ अपनी। ये सामने हमारा गांव में पपरसा गोरे मिर्चा का जी लगता है आने में।
अंशिका आगे निकल गई। भाइयों ये पॉपुलर की लकड़ी जंगी पड़ी है। पहले किसान ईंधन अपना खेतों में से ले जाते थे, घर पर रखते थे, छत पर ऊपर चूल्हे में बाल कर रोटी खाया करते थे। आधी बीमारी तो यूँ बढ़ने लगी, गैस ले रहे 1100 रुपये 1000 रुपये का सिलेंडर, चक कुछ ना मिला लेकिन सिलेंडर जरूर भरवाना। इस गैस की वजह से ज़्यादातर बीमारी बन रही है, ना तो रोटियों में टेस्ट रहा ना सब्जी में स्वाद रहा। कुकर में बंद करके महिलाएं बना दे ढक्कन ढक्कन ना, उसका ऊपर का वो झाग से उतारे जाते हैं, निखारी नहीं होती बढ़िया। पहले हंडी में बने थी दाल, उड़द की दाल साग बनता हंडी में घुट के, बड़ा अलग ही मज़ा आता भाइयों। अब वो समस्या दूर होगी, सबको हर काम जल्दी में चाहिए। ये भाइयों देखिए टिंकू पंडित जी गन्ना गया, कितनी घास होगी अगर इसमें ना स्प्रे करी गई तो ये फसल को नुकसान देगा। भाई ये टिंकू ने बाण लगा रखा, इन बाणों को इतना लाभ हो गया जी, दिन से बाण बंधे हैं, एक भी पशु इनके गेहूँ में नहीं बना बढ़ा अंदर। भाइयों मैं आपके घेर राम राम, अच्छा 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 भाइयों हमें आपका घेर बनाना है, ये आप ये सलाह दो हम यहाँ बनावे रोड पे या ट्यूब वेल है वहाँ फार्म हाउस बनावे, आपकी राय में। मैं तो चाह रहा यहाँ रोड पे बनाए घेर, गांव में तो घेर ही हूँ। बबलू और पुनीत कह रहे हैं ट्यूब वेल पे बनाए घेर सा, अब आप सलाह दो आपके हिसाब से कहाँ ठीक रहेगा। राम राम जी, मिस्त्री जी एक मिनट रुकियो। भाइयों खत्ते में घूमना चाहिए इंसान को, जी लगता है। मुझे सुबह तो टाइम नहीं मिलता, मैं शाम के टाइम आता हूँ घूमने के लिए। मेरे साथ अंशिका आई है, मेरी पोती बबलू पूनिया की बेटी, वो बावली भाग गई ट्यूब वेल पर गई है, अभी आ रही गन्ना ले गए। इतने मैं सड़क पर खड़ा हूँ। भाइयों आज बबलू ने तो एक पार्टी से बात की है, नया बीज मिल रहा लेना है, एक तो 38 है, एक बीज बो रहे हैं, दो बीज बो रहे हैं, और बोने के बाद पता लगेगा कौन सा बोना चाहिए कौन सा नहीं। ये 2.5 बीघे नंबर तो ये हो गया, और वो है 1.5 बीघा 1.5-2 बीघे जो भी है, 5-1 बीघे मेरे अंदाजा फागना करना हो जाए कुछ कम रह जाएगा आपके। भाइयों गोरे में है, टंच विधि हमने फेल कर दी, कोई मेरा भाई इसकी बहक में ना आवे। ये 90 कुंटल ऊपर नहीं निकला, जबकि पिचान में हमारी पेटी निकल गई वो 26 इंच वाली, 26-28 इंच वाली। तो भाई ये जो शादी विधि का गन्ना पूरा निकल गया तो फिर इसमें क्या फ़ायदा, 5-6 लाख के इसमें यंत्र लगाओ, 5.5 लाख का तो ट्रैक्टर ही आ रहा ना वह, फिर उसका रूटावेटर 60-65 हज़ार का, उसके कितने यंत्र हैं। तो भाई ये सारे यंत्र लेगा तो बहुत महंगा पड़ेगा, इसलिए अपना शादी विधि से बोलो वही बढ़िया है। नमस्कार।